परी की जादुई साड़ी। एक गांव में ज्योति नाम की लड़की अपनी माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इस वजह से वे लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, क्योंकि ज्योति के पिता की मौत बहुत पहले ही हो गई थी, जिस वजह से लक्ष्मी ने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किलों से पालकर बड़ा किया था। एक दिन की बात है, ज्योति अपने घर पर काम कर रही होती है, तभी वो अपनी माँ से कहती है, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं माँ, क्या हम लोग कभी भी अमीर नहीं होंगे? पता नहीं बेटा, यदि भगवान ने चाहा तो हम जरूर अमीर होंगे। पर कैसे माँ, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हमें अमीर बना सके। हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें नहीं पता है, जो किस्मत में होता है वह जरूर मिलता है, और वैसे भी तुझे यही तो गरीब देखने को मिल रही है। यदि भगवान ने चाहा तो तेरी किसी अच्छे घर में शादी हो जाएगी और तू रानी बनकर रहेगी। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पर बेटा, एक दिन तो सभी बेटियों को अपनी माँ को छोड़कर जाना ही पड़ता है, चाहे वो जाना चाहे या ना चाहे। और वैसे भी अभी कौन सी तेरी शादी हो रही है, अभी तो तेरी शादी में काफी समय है। और इसके बाद लक्ष्मी काम करने लगती है। लक्ष्मी काम करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है, नाम तो मेरा लक्ष्मी है, पर लक्ष्मी जैसे कोई भी गुण नहीं है। यदि मेरे पास रुपए होते तो मैं भी अपनी बेटी को किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाती तो उसके किसी अच्छे घर में शादी हो जाती, पर पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिख रखा है। और ये कहकर वो अपने काम में लग जाती है। वही ज्योति वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ज्योति अपना और अपनी माँ का गुजारा करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत करके उसे इंटर तो करा दी थी, पर उसके आगे वो नहीं पढ़ा पाई, क्योंकि आगे की पढ़ाई बहुत ही महंगी थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और ज्योति और उसकी माँ लक्ष्मी अपना जीवन ऐसे ही गुजार रहे होते हैं। और एक दिन लक्ष्मी मंदिर जाती है और मंदिर पहुँच कर वो भगवान की पूजा करती है और फिर पूजा करके वहाँ से आने लगती है। तभी उसे पंडित जी रोकते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं, अरे लक्ष्मी, इस बार तो तुम मंदिर बहुत दिनों बाद आई हो, क्यों, क्या हुआ, क्या कोई बात है? नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको तो मेरे घर के हालात पता ही है, इसी वजह से मंदिर कहाँ आना हो पाता है, क्योंकि यदि मंदिर आओ तो भी रुपए ही चाहिए होते हैं। अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, मंदिर आने के लिए भला रुपए की क्या जरूरत है, मंदिर तो ऐसे भी आया जा सकता है। हाँ पता है मुझे, पर यदि भगवान को चढ़ावा ना चढ़ाओ तो मंदिर आने का क्या मतलब है, पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नसीब बहुत ही अच्छा है, देखना तुम अपनी गरीबी से जल्दी छुटकारा पा लोगी। पंडित की बात सुनकर लक्ष्मी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो पंडित से कहती है, अरे पंडित जी, क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हो, भला मैं कैसे अपनी गरीबी से छुटकारा पाऊंगी? हाँ, यदि मेरी बेटी की कहीं अच्छी नौकरी लग जाए तो ऐसा जरूर हो सकता है। मुझे पता है कि तुम्हें अभी ये झूठ लग रहा होगा, पर देखना तुम और तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा जीवन गुजारने वाली हो, और ये मैं नहीं बल्कि भगवान ने तुम्हारे नसीब में लिखा है, क्योंकि कहते हैं जितने दुख के दिन होते हैं उतने ही सुख के दिन भी आते हैं। यदि पंडित जी ऐसा हो गया तो मैं आपका जिंदगी भर आभार मानूंगी। अरे तुम मेरा आभार मत मानो बल्कि भगवान को मनाना, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी होना संभव नहीं है। इसके बाद लक्ष्मी काफी देर तक पंडित से बात करती रहती है और फिर वो वहाँ से चली आती है। घर पर आने के बाद लक्ष्मी पंडित की बातों को याद करने लगती है और अपने मन में कहती है, यदि जैसा पंडित बता रहे थे वो हो गया तो मेरे भाग्य ही जाग जाएंगे और मैं अपनी बेटी को भी अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाऊंगी। पता नहीं ये सब कब होगा, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में जल्दी तो खुशियाँ भर दे। इसके बाद लक्ष्मी अपने कामों में लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन की बात है, ज्योति अपने घर पर काम कर रही थी, तभी उसके घर पर एक लड़की आई। उस लड़की ने ज्योति से कहा, सुनो, मेरा नाम माया है और मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ,
यदि तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो मेरी मदद कर दो, मैं काफी दुखियारी हूँ। ये सुनकर ज्योति अपनी माँ लक्ष्मी को बुलाती है और सारी बात उनको बताती है। लक्ष्मी जब माया की तरफ देखती है तो वो उससे कहती है, अरे बेटा तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? वैसे तो मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है, पर तुम बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? यदि मेरे पास हुए तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी, और यदि कम भी होंगे तो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। वैसे तो मुझे ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से ही चाहिए, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए रुपए ले आती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर कुछ रुपए ले आती है और माया को पकड़ा देती है। माया रुपयों को पकड़ती है और लक्ष्मी से कहती है, आजकल तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। और ये कहकर माया अपने असली रूप में आ जाती है। माया को परी के रूप में देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माया एक परी हो सकती है। और लक्ष्मी माया परी से कहती है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम परी हो। यदि पहले पता होता कि तुम आने वाली हो तो मैं तुम्हारी अच्छे तरीके से आदर सत्कार करती। हाँ मुझे पता है कि यदि तुम्हें पहले पता लग जाता तो तुम मेरा बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करती, पर वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंसान जानने के बाद तो हर चीज का इंतजाम कर लेता है, पर बिना जाने जो करता है वही उसका सच्चा कर्म होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी मदद की, इससे यही लगता है कि आप हमेशा दूसरों की मदद करती होंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो खुद ही बहुत गरीब है तो हम दूसरों की मदद क्या करेंगे। हाँ यदि कोई छोटी मोटी मदद होती है तो कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने हम सभी को दूसरों की मदद करने के लिए ही बनाया है। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, और इसी से खुश होकर मैं आपको एक जादुई साड़ी दे रही हूँ। इस जादुई साड़ी की मदद से आप जो कुछ भी मांगोगी वो आपको मिल जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं? ये जादुई साड़ी हमारे लिए है? हाँ ये जादुई साड़ी आपके लिए है। वैसे तो ये साड़ी मेरी है, पर भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं ये साड़ी आपको दे दूं। जो इंसान दिल के सच्चे होते हैं उन्हें हमेशा भगवान पसंद करते हैं, और इसी वजह से ये साड़ी आपकी हुई। ये सुनकर ज्योति और लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन दोनों से कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना और कभी भी इस जादुई साड़ी का दुरुपयोग मत करना, और ना ही इस साड़ी के बारे में किसी को पता लगने देना। ठीक है आप चिंता मत कीजिए, हम इस साड़ी को संभाल कर रखेंगे और कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद माया परी वहाँ से चली जाती है। माया परी के जाने के बाद लक्ष्मी अपनी बेटी से कहती है, इसका मतलब पंडित जी उस दिन सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे पंडित जी, आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस पर लक्ष्मी अपनी बेटी को सारी बात बताती है, और फिर लक्ष्मी अपनी बेटी से कहती है, अब हम लोग इस जादुई साड़ी की मदद से बहुत अमीर हो जाएंगे और कभी भी इस जादुई साड़ी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हाँ माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमारे गरीबी के दिन चले जाएंगे और अमीरी के दिन आ जाएंगे। और ये कहकर वो लोग उस जादुई साड़ी की मदद से अमीर हो जाते हैं और उस जादुई साड़ी को संभाल कर रख देते हैं। और अब वो दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश थी और अपना जीवन आराम से गुजार रही थी। पृथ्वी लोक में हर जगह कोरोना ने अपना कहर मचा रखा था। कई लोग तो इस बीमारी से अपनी जान भी गवा बैठे थे। वहीं दूसरी ओर इस महामारी से दूर परी लोक की दुनिया थी, जहां बहुत ही सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उन्हीं परियों के बीच में सोहा और जरीना नाम की दो बहनें परियां रहती थी। जहां एक और सोहा गंभीर स्वभाव की परी थी, वहीं जरीना एक चुलबुली परी थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक रात सोहा परी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसे बहुत तेज बुखार था। जरीना ने घर में रखी हुई जड़ी बूटियां पीसकर सोहा को दी, जिससे उसका बुखार थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगली सुबह फिर से सोहा की तबीयत खराब होने लगी। सोहा
क्या तुम्हें ठीक नहीं होना क्या? मैंने 2 दिन से तुम्हारे हाथ की बनी मैक्रोनी नहीं खाई, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ। चल मैं तेरे लिए अभी मैक्रोनी बनाती हूँ, इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मिलकर मैक्रोनी खाएंगे और खूब मस्ती भी करेंगे। लेकिन सोहा परी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी और जोर जोर से खांसने लगी। वो खांसते हुए जरीना से बोली, जरीना मेरा एक काम करोगी? पृथ्वी लोग जाकर जौनपुर गांव में एक बूढ़ी काकी रहती है, जाकर उन्हें कुछ खाने का सामान दे आओ। तू क्या गिरने गई थी पृथ्वी लोग? क्या तुझे पता नहीं वहाँ महामारी फैली हुई है? हाँ मालूम है, तभी तो मैं वहाँ जरूरतमंद लोगों की मदद करने गई थी। 2 दिन पहले मैं पृथ्वी लोग गई तो मैंने वहाँ एक गांव में देखा, उस गांव में एक बूढ़ी काकी एक झोपड़ी में अकेले ही दर्द से तड़प रही थी। बूढ़ी काकी कोरोना पॉजिटिव है। जैसे ही उनके बेटे और बहू को ये बात पता चली, वो दोनों बूढ़ी काकी को छोड़कर भाग गए। उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं उन्हें 2-3 दिनों से खाना देकर आ रही हूँ। अरे वो कोरोना पेशेंट है, तुम्हें पता है ना ये बीमारी कितनी जानलेवा है? ये जानकर भी तुम उनके पास गई? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस समाज सेवा से। देख लेना, एक दिन इस समाज सेवा के चक्कर में तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा ठीक है मेरी बहना, नाराज मत हो। सब ठीक हो जाएगा, अब मेरा ये छोटा सा काम कर दो प्लीज। सोहा के जिद पर जरीना वो बूढ़ी काकी को खाने का सामान देने पृथ्वी लोक चली गई। लेकिन जब वो परीलोक वापस लौटी तो सोहा परी की हालत देखकर काफी डर गई। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। जरीना, कल की तरह मुझे आज भी अपने हाथों से जड़ी बूटी का रस पिला दे, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा। नहीं, जड़ी बूटी से कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता है तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हुई है। मुझे लगता है हमें जल्दी से परीलोक के वैद्यशाला में चलना चाहिए। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जरीना अपनी बहन के लक्षण देखकर समझ गई कि कोरोना ने उसे अपनी चपेट में ले लिया है। बिना समय गवाए उसे लेकर परीलोक के वैद्यशाला पहुँची, लेकिन सोहा परी की सांसें उखड़ रही थी। जरीना, लगता है जाने का समय आ गया। अरे कैसी बातें कर रही हो, पागल हो क्या? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? तू अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी, फिकर नॉट। अभी वैद्य माता फातिमा अपने जादुई औषधि से तुम्हें तुरंत ही ठीक कर देगी। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन सोहा ने जरीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थी। वो अपनी बहन को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। बहन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उठना। देख अब नाटक मत कर, उठना, मेरे लिए उठना। अब मुझे हर रोज पास्ता बनाकर कौन खिलाएगा? उठना, ऐसे कोई जाता है क्या? मुझे अकेला छोड़कर मत जा, प्लीज उठना बहन। ये कहकर जरीना परी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर जरीना घर लौट आई, जिस घर में वो अपनी प्यारी बहन सोहा के साथ हंसती मुस्कुराती रहा करती थी। आज वो घर उसे काटने को दौड़ रहा था। आधी रात के समय जरीना परी सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, तभी उसे लगा कि सोहा परी की आत्मा उसके सामने खड़ी है और उससे बातें कर रही है। क्या हुआ बहन, उदास मत हो, हम दोनों का इतने दिनों का ही साथ लिखा था। मेरी प्यारी बहना, तुम? हाँ जरीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरा एक काम करोगी? वो बूढ़ी काकी जब तक ठीक नहीं हो जाती, उन्हें हर रोज खाने का सामान दे आना, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, तुम उनकी मदद जरूर करना। उसके बाद सोहा परी की आत्मा अदृश्य हो गई। जरीना परी को अपनी बहन की कही बात दिल को छू गई। फिर जरीना को लगा उस बूढ़ी काकी की तरह पृथ्वी लोक में ऐसे कई हजारों लोग होंगे जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अगले दिन जरीना परी उस बूढ़ी काकी के घर जाकर खाने का सामान दिया। फिर उसने मन ही मन फैसला किया,
सोहा, अभी ये तेरी बहन जिंदा है, मैं उन लोगों की मदद करूंगी जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, जो बिल्कुल अकेले हैं। उसके बाद वहाँ जिन लोगों को दवाइयाँ और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जरीना परी उनकी मदद करने लगी और परी लोग से लाई जादुई औषधि की मदद से उन्हें ठीक करने लगी। साथ ही साथ कोरोना पीड़ित लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया। वो अपनी बहन सोहा को तो नहीं बचा पाई, लेकिन वो कई लोगों की जिंदगी बचाने में उनकी मदद करने लगी। तो दोस्तों, इस महामारी से लड़ने के लिए हमें एक साथ मिलकर खड़े रहना होगा, जितना संभव हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि जब सब देंगे एक दूसरे का साथ, तभी तो कोरोना को दे पाएंगे मात। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना इस कोरोना काल में ध्यान रखें। धन्यवाद।